हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीड एजुकेशनल चैनल। तो जो भी लोग NVS के LDC स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे, उन सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि NVS ने आज ही जो LDC स्टेनोग्राफर पोस्ट के जो 450 वैकेंसीज थे उनके रिजल्ट आज डिक्लेयर कर चुके हैं। आज ही शाम को रिजल्ट आया है और इसका जो एग्जाम वैकेंसी निकला था वो 11 से 17 नवंबर को निकला था इसकी वैकेंसी। और इसका जो ऑनलाइन का टेस्ट हुआ था वो 13th और 14th को हुआ था जनवरी महीने में। तो इसमें से जो टोटल वैकेंसीज है उसमें से 1:5 रेशियो में कैंडिडेट को सिलेक्टेड किया गया हुआ है जो स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। जो स्किल टेस्ट होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे और जो फाइनल मेरिट लिस्ट होंगे वो स्ट्रिक्टली जो आपके पार्ट 1 पे जो ऑनलाइन टेस्ट में आपने एग्ज़ाम दिए थे उसके बेसिस पे होगा, ठीक है। तो जो स्किल टेस्ट है उसमें आपको क्वालिफाई करना मस्ट है, लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनेंगे वो आपके पार्ट 1 के मार्क्स से ही बनेंगे। तो जो जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं इस पोस्ट के लिए उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सभी अपना जो स्किल टेस्ट है उसके लिए ज़रूर प्रिपरेशन लीजिए अच्छे से। आप लोग बहुत नज़दीक आ चुके हैं तो अच्छे से मेहनत कीजिए जितने भी दिन अब देरी है। हालांकि जो स्किल टेस्ट के डेज है वो फाइनल अभी तक प्रिपेयर नहीं किया गया है। जो लोग भी शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उनको कॉल लेटर जल्द ही स्किल टेस्ट के लिए जो है अपलोड किया जाएगा। और इसके लिए आपको NVS हेडक्वार्टर ORG एंड NVS NT 2017 ORG ये दो वेबसाइट है, इन दोनों वेबसाइट को रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। आप सभी के लिए जो कॉल लेटर है बहुत जल्दी इशू हो जाएंगे। तो तब तक के लिए आप स्किल टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करते रहिए। इसमें इसके जो बाद में जो PDFs के पेज है वो जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन सभी के नाम और डेट ऑफ बर्थ, वो मेल या फीमेल है और कौन से कैटेगरी और सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी के लिस्ट दिया हुआ है। टोटल ये जो पहला लिस्ट आप देख रहे हैं स्टेनोग्राफर के लिए, इसमें लगभग आपके 1300 लोगों को क्वालिफाई किया जा चुका है। अगर मैं टोटल लिस्ट आपको दिखाऊं तो इसमें टोटल आप देख सकते हैं कि लगभग 1300 लोग जो है स्टेनोग्राफर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उसके बाद LDC और स्टोर कीपर के लिए टोटल 300 अराउंड 400 करके लोगों को क्वालिफाई किया जा चुका है। तो उसमें से जो भी लोग इस एग्ज़ाम को दिए थे आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और उनमें आपका नाम है या नहीं चेक कर लीजिए। जो लोग अभी तक चेक कर चुके हैं या नोटिस जिनका पहले मिल गया था वो लोग अगर क्वालिफाई हो चुके हैं तो बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेसन उनको। और जो भी लोग अभी तक चेक नहीं किए हैं तो वीडियो को देख लीजिए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसमें PDF का जो लिंक है वो अपलोड कर दूंगा। आप मेरे उसमें मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, उसमें ज्वाइन करके भी आप PDF को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में जो अपडेट आपके लिए, मतलब इससे बहुत सारे लोगों को जो KVS का एग्ज़ाम हुआ था केंद्रीय विद्यालय संस्थान उनके भी क्लर्क के वैकेंसी के लिए अप्लाई किए थे उन सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि इसका कट ऑफ का क्या इफेक्ट इसमें पड़ सकता है। बहुत से जितने भी मेरे कैंडिडेट्स मैं जानता हूँ जिन्होंने NVS एग्ज़ाम दिए थे सबका कहना यही है कि कट ऑफ जो है 80+ गया है NVS के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको 75-78 नंबर मिला है लेकिन क्वालिफाई नहीं किया है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि 80 तो कट ऑफ गया ही है। तो इसका इफेक्ट ज़रूर KVS के एग्ज़ाम में भी पड़ेगा। जो लोग अभी सोच रहे थे कि पिछले एग्ज़ाम में 65 गया था कट ऑफ, इस बार भी वैसे ही जाने वाला है। तो ऐसा आप अभी मत सोचिए क्योंकि इस एग्ज़ाम से पता चल रहा है कि कट ऑफ KVS का भी 75+ तो जाएगा। तो जिन लोगों का 75+ है वो लोग तो ज़रूर अच्छे से मेहनत कीजिए KVS के लिए। और जो लोग NVS में क्वालिफाइड कर चुके हैं उनको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ KVS के एग्ज़ाम में जो लोग बिलो 75 है वो प्रैक्टिस ना करें, बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए। टाइपिंग, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लर्क के किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप सभी प्रैक्टिस करते रहिए और KVS का एग्ज़ाम के रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अप्रैल महीने में आ जाएगा। तो आप सभी जितने भी जो भी लोग अभी तक NVS में क्वालिफाई कर चुके हैं वो टाइपिंग का टेस्ट दीजिए। जो लोग KVS के लिए एग्ज़ाम दिए थे वो भी जितने भी अगर स्कोर है, अगर 70+ स्कोर है तो बिल्कुल करते रहिए, लेकिन अगर 70 से नीचे है तो भी करते रहिए। हो भी सकता है KVS का कट ऑफ थोड़ा कम जाए, तो उम्मीद मत छोड़िए और प्रैक्टिस करते रहिए। और इस वीडियो को जितना जल्दी हो सके आपके सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले कि उनके मार्क्स इतने थे कि वो क्वालिफाई कर पाए या नहीं, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और चैनल के साथ बने रहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर अपडेट हुआ तो मैं ज़रूर आप लोगों तक दे दूंगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।